हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ घिया का सिंपल सब्जी, जो बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। रोटी के साथ खाइए या तो चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए हम घिया की सब्जी बनाते हैं। सबसे पहले हमने घिया को छील लिए हैं और छीलने के बाद धो के काटना स्टार्ट किए हैं। अब इस तरह हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट रहे हैं। आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। हमने इतना घिया लिए हैं और सभी घिया को इस तरह हम काट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, घिया हमने इस काट लिए हैं। अब हम प्याज काटेंगे। प्याज को छील लिए हैं हमने और छीलने के धोने बाद हम काटेंगे प्याज को। इस तरह हम काट लेते हैं प्याज को। आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ प्याज को लंबाई में काटे हैं। इस तरह सभी प्याज हमने काट लिए हैं। तीन हरी मिर्च लिए हैं इसमें हमने। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीखा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद हो तो कम डाल सकते हैं। तो हमने मिर्ची काट लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने सभी चीज़ काट ली है। गैस पे हमने कुकर चढ़ा दिए हैं। कुकर हमारा गर्म है। इसमें हम ऑयल रख रहे हैं सरसों का। सरसों हमारा गर्म है तो इसमें हम प्याज का टुकड़ा रखते हैं, कटा हुआ हरी मिर्च रखते हैं। कटे हुए सारे प्याज हमने डाल दिए हैं। आधा एक मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज जो है सॉफ्ट होने ही वाला है, लाइट ब्राउन हो जाएगा थोड़ी देर में। इस तरह हम भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम घिया डाल के आधा एक मिनट तक भून लेंगे। घिया को आधा एक मिनट या दो मिनट तक भूनने से घिया का जो कच्चापन होता है ख़त्म हो जाता है, उससे और भी टेस्टी सब्ज़ी बनता है। ये देखिए दोस्तों, घिया हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम एक चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर रख दिए हैं, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक रख दिए हैं। आप चाहे तो गरम मसाला रख सकते हैं, मैंने यहाँ नहीं रखे हैं। गरम मसाला ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं।
टमाटर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटर नहीं डाले हैं, बिना टमाटर के भी बहुत टेस्टी बनता है घिया का सिंपल सब्जी। या रोटी के साथ खाइए या सब्जी या चावल खाइए, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो हम कुकर में ढक्कन लगा देते हैं और एक दो सीटी तक चढ़ा देते हैं। सीटी लग गया है कुकर का ढक्कन, आप खोलते हैं सीटी निकलने पे। घिया जो है पानी छोड़ देता है, तो थोड़ा पानी सुखा लेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए दोस्तों घिया की सब्जी इस तरह हमने सुखा लिए हैं। अब इसे हम किसी कटोरे में निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये घिया की सब्जी बनके तैयार है। यह सब्जी आपको कैसा लगा, लाजवाब टेस्टी, तो कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन दबाना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।